सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरुजी चैनल को और उसके बाद इस घंटे के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरुजी की नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आए हैं जो जारी की गई है राजस्थान मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो सारी डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इस वैकेंसी का। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वैकेंसी से रिलेटेड डेली 4 से 5 वीडियो अपलोड करता हूं। तो इसके लिए हम सारे डिटेल्स में समझाने के लिए आपको ले चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन पे और वहां पे सबको डिटेल्स में समझा के बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे खुशी भी मिलती है और वीडियो की रीच भी बढ़ती है और आपके लिए मैं अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हम आपको लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलते हैं और वहां पे सब कुछ इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में समझा के बताते हैं। तो दोस्तों ये है टैक्स असिस्टेंस का फॉर्म जो कि राजस्थान सबॉर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। आपको इस फॉर्म भरने की लिंक ये वाली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन से आइएगा और यहीं से फॉर्म को भर सकते हैं, यहीं से वैकेंसी के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। आपको नीचे फॉर्म भरने की सारी लिंक्स मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो sarkarijobfind.com वेबसाइट को जरूर से देखा कीजिए। यहाँ पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको एक ही जगह मिल जाएंगे sarkarijobfind.com को। तो इस वेबसाइट को आप जरूर से देखा कीजिए। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब के नाम से। जैसे गूगल में सर्च करेंगे सरकारी जॉब तो ये वेबसाइट आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगी। जब आप सर्च करेंगे सरकारी जॉब तो ये देखिए फर्स्ट नंबर पर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो आप इसको भी ऐसे गूगल से भी जा सकते हैं sarkarijobfind.com पे। तो बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों। तो ये है टैक्स असिस्टेंस का फॉर्म है। फॉर्म जो भरा जा रहा है 19 अप्रैल से। लास्ट डेट की रखी गई है 18 मई। फी पेमेंट करने की लास्ट डेट 18 मई ही है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ जनरल और अदर स्टेट के लिए 450 रुपए की फीस है और ओबीसी के लिए 350 रुपए की फीस है, एससी एसटी के लिए 250 रुपए की फीस है। आपको एग्जामिनेशन फी को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से पे करना है। तो इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, यदि आप भरना चाहते हैं तो राजस्थान के इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स असिस्टेंस नॉन ट्राइबल एरिया के जो पोस्ट है 148 और टैक्स असिस्टेंस ट्राइबल एरिया की जो है 14 पोस्ट की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट पास ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको या तो कंप्यूटर साइंस से आपको ग्रेजुएशन हो या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन हो, मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस में हो, या तो जो है बीसीए वगैरह हो, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से ग्रेजुएट हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। या तो आपको आर हिंदी आर इंग्लिश 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग और उसके साथ साथ 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल उम्र रखी गई है। 1/1/2019 को एज काउंट होगी। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पे जा सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की लिंक मिल जाएगी राजस्थान की तरफ से। यहाँ पे नेक्स्ट पे आगे बढ़ सकते हैं और आप अपना बना सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तेरी वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स। यदि आप कंप्यूटर से ग्रेजुएट हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरिए। यदि आप बीसीए और बीटेक वगैरह हैं कंप्यूटर साइंस से तो इस फॉर्म को भरिए और आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। काफी अच्छी ये वैकेंसी है और आपका हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।